हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो बुक है इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट, उसी का चैप्टर 2 का जो नेक्स्ट वीडियो है, इस पर हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा किया था और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है? तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो, मैं भी अगली बार से और भी इंथुजियाज़म के साथ आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेकर के आऊँ, ठीक है? तो चलिए, आज बिना किसी देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। Would you agree that the depths of operation create heights of character? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि depths of operation, यानी कि शोषण जितना ज़्यादा किया जाता है उससे एक character का height जो है और बढ़ता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? How does Mandela illustrate this? आखिर मंडेला ने इस बात को कैसे साबित किया? Can you add your own examples to this argument? क्या आप इस आर्ग्यूमेंट के बारे में और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? लेट्स सी। यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन यानी कि शोषण जितना ज़्यादा होगा, जितना शोषित किया जाएगा लोगों को, उतना ही उसमें से एक कैरेक्टर जब निकलेगा तो वो काफ़ी लंबे ऊँचे सोच का जो है होगा। नेल्सन मंडेला इल्यूस्ट्रेट्स दिस बाय गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका लाइक। नेल्सन मंडेला इस बात को साबित करते हुए कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में कई महान हीरोज ने जन्म लिया उस ऑपरेशन के बाद, उस शोषण के बाद, लाइक ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सुसुलू एंड अदर्स हु सेक्रीफाइस दियर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि यहाँ इन्होंने दो लीडर्स का नाम लिया है, ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सुसुलू, और भी कई सारे यहाँ पर आप फोटोज़ में देख सकते हैं, लाइक चीफ लुथुली, यूसुफ दद्दू, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सुबुकवे, ठीक है? इनके अलावे भी कई सारे ऐसे हीरोज़ थे जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और उन्हीं के बदौलत आज साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक नेशन बनने में सफल हुआ। इन इंडिया, अब इसमें पूछता है कि कैन यू ऐड योर ओन एग्जांपल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट। तो क्या इस आर्ग्यूमेंट के लिए क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं? इन इंडिया देयर वर मेनी सच लीडर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि भारत में भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने जीवन की बलिदान कर दिया, लाइक लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मेनी मोर, ठीक है? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। आखिर मंडेला की जो समझ थी स्वतंत्रता के लिए वो कैसे बदलते चला गया, जैसे जैसे उनका एज बीतता चला गया, जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, कैसे बदला ये एटीट्यूड? लेट्स सी। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे उनका एज बढ़ते चला गया, वो एक बच्चे से एक यूथ में पहुँचे, फिर यूथ से एक एडल्ट बने, फिर एडल्ट से, जैसे जैसे उनका एज बढ़ते चला गया और जैसे जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया, मंडेला वो समझने लगे कि आखिर फ्रीडम है क्या, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। एज अ यंग बॉय ही बिलीव्ड दैट ही वॉज बॉर्न फ्री एंड थॉट दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर
एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब ही वॉज फ्री। जब वो एक यंग बॉय थे, जब वो एक जवान बच्चे थे, तो उनका यह सोच था कि ही वॉज बॉर्न फ्री, कि वो जो है एक स्वतंत्र रूप से उनका जन्म हुआ है, बॉर्न फ्री। एंड थॉट दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, यानी कि जब तक उनकी सोच थी कि जब तक वो अपने पिता के बातों का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और उनके ट्राइब का जो कस्टम था, ठीक है, उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, तब जब तक किए उन्होंने, ही वॉज फ्री, तब तक उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र माना। एज ही ग्रू ओल्डर टू रेज हिज फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न हिज लिवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो बड़े हुए होते चले गए, एक एडल्ट व्यक्ति बने, तो और उन पर जिम्मेवारी किस चीज़ की आ गई, परिवार को चलाने की। तो जैसे जैसे परिवार को चलाने की जिम्मेवारी उन पर आई, उनके कंधों पर आई, एंड फ्रीडम टू अर्न हिज लिवलीहुड, और जब अपने जीवन यापन को चलाने के लिए अर्न करना पड़ा उन्हें, स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स, तो उनके थॉट पर जो है एक कुठाराघात पहुंचा, कुठाराघात उनके थॉट्स को लगा। कॉन्सिक्वेंटली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, परिणाम स्वरूप उन्होंने इस बात का एहसास किया कि शायद वह बॉयहुड में क्या थे, वो एक सेल्फिश थे, यानी कि स्वार्थी थे, सिर्फ वो अपने बारे में सोचते थे, अपने देश के लोगों के बारे में नहीं सोचते थे, ऐसा उनको महसूस हुआ। देन ही अंडरस्टूड दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बींग कर्टेल्ड, तब जाकर के उन्हें इस बात का एहसास हुआ, यह बात उन्होंने समझा कि सिर्फ उन्हीं की स्वतंत्रता को छीना नहीं गया है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि सारे काले लोगों के फ्रीडम को जो है छीन लिया गया है। दस एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम, इस तरह से जैसे जैसे उनका एज बीतता चला गया, बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, उनकी सोच जो है बढ़ती चली गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 इनफैक्ट। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, आखिर मंडेला के अंदर जो स्वतंत्रता की भूख थी, उसने कैसे उनके जीवन को बदला, उसने कैसे उनके जीवन में बदलाव लाया, आइए देखें। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बींग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स। मंडेला ने अपने जवानी के दिनों में ही उन्होंने इस बात को समझा, इस बात को वो समझने लगे थे कि सिर्फ उन्हीं की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सारे काले लोगों के, यानी कि वैसे लोग जो उन्हीं की तरह दिखते थे, या वैसे लोग जो उनके स्किन कलर के थे, तो उन सारे लोगों के स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। दिस चेंज्ड द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रेबेल, इससे क्या हुआ, एक डरपोक व्यक्ति जो है आगे चल कर के किस चीज़ में बदल गया, एक फियरफुल रेबेल में, ठीक है, एक फियरलेस रेबेल में, यानी कि एक बिना डरे हुए एक क्रांतिकारी व्यक्ति में वो बदल गए। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ज्वाइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने क्या किया उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, त्याग दिया, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को ज्वाइन किया। एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन हु फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और इस तरह से एक डरपोक व्यक्ति एक बोल्ड, एक साहसी व्यक्ति में बदल गया, जिसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जिसने आवाज़ें उठाई, और उसके खिलाफ उन्होंने एक जंग का ऐलान छेड़ दिया। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन था, उसके बाद आते हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, पेज नंबर 24 पे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, आइए देखें।
Make a list of such pairs of nouns and verbs in the text. Here are two columns given, one noun and other is verb. एक पहला जो है noun का है, दूसरा verb का है. आपको क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे list जो है यहाँ लिखने हैं, बताने हैं, और उसका verb forms भी लिखना है. तो पहला दो दिया गया है, rebellion से कौन सा verb बनेगा, rebel. Next is constitution, verb इसका होगा constitute. अब आइए कुछ और भी देखते हैं. डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का हो जाएगा डिस्क्रिमिनेट. डिस्क्रिमिनेशन एक क्या है, नाउन है, और डिस्क्रिमिनेट क्या है, वर्ब है. नेक्स्ट इज इनऑगुरेशन, इनऑगुरेशन, इनऑगुरेशन का से वर्ब क्या बनेगा, इनऑगुरेट, इनऑगुरेट. ओके, नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन से बन जाएगा वर्ब इंस्टॉल. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेशन से बन जाएगा ऑप्रेस, ऑप्रेस. ठीक है, ये हो गया. अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कुछ और भी हम लोग ऑब्जेक्टिव सभी देखेंगे. चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. कुछ और भी ऑब्जेक्टिव सभी हम लोग बनाएंगे जो इस बुक में दिया गया है. आइए देखें, आप लोग फोकस होकर के पढ़ाई कीजिए और अच्छे नंबर लाइए एग्जाम्स में. चलिए, अब पेज नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 2 है. रीड द पैराग्राफ बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में कुछ वर्ब दिए गए हैं, उसी का नाउन फॉर्म्स यूज करना है. तो आइए देखें, मार्टिन लूथर किंग्स डैश कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट से बनाना है नाउन. इसको फर्स्ट मान लीजिए तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2, टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगैन व्हेन ही केम टू द असिस्ट, असिस्ट से बनाना है नाउन असिस्टेंस. नेक्स्ट, of Rosa Parks, a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger. In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs. To break these laws would mean subjugation. ओके, नेक्स्ट, एंड ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट से बनाना है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन. नेक्स्ट इज बाय द पुलिस एंड लीगल सिस्टम, बीटिंग्स डैश इम्प्रिजन, इम्प्रिजन से हो जाएगा नाउन imprisonment.
imprisonment. Next is, and sometimes death awaited those who defied the system. Martin Luther King's tactics of protest involved non-violent dash to racial injustice. Here resist, resist से बनाना है, तो ये हो जाएगा resistance. रेजिस्टेंस, ठीक है. चलिए आगे का देखते हैं. पेज नंबर 27 में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो आइए देखें. यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं और कुछ पार्ट्स, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके नीचे, तो इसी से अभी हम लोगों को क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो आइए पहला देखें. इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन. पहला का हो जाएगा टू क्रिएट सच, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. इसका थर्ड हो जाएगा. फर्स्ट का आंसर हो गया 5, इसका हो जाएगा थर्ड. बट द ट्रायम्फ ओवर इट. थ्री, द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid dash but he who conquers that fear. 4, point number 4 iska hoga, but he who conquers that fear. Four, if people can learn to hate, first one, they can be taught to love. They can be taught to love. Right? Okay. Question number 5. I was not born with a hunger to be free. I was born free. Third one. 5 का third one होगा. I was born free. So these were all about chapter 2. ये सारे questions chapter 2 से related थे. You can have the screenshot of this. आप लोग इसके screenshot ले लीजिए. चलिए, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेकमेंड ज़रूर करें. साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊँचा हो और मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ. तो चलिए प्यारे दोस्तों, बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे.